मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आशा सैनी, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। राइट द वन कलाम वन ने क्या करा था? वर्ण की परिभाषा। क्या की थी? वर्ण की परिभाषा। आप दोबारा देखिए, वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वो देखिए। वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है, या मुख से निकली ध्वनि वर्ण कहलाती है, या मुख से निकली ध्वनि वर्ण कहलाती है। एंड इसके और खंड नहीं हो सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हम, तो क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाती है। जैसे देखिए, रे को इसमें से आ की मात्रा निकाल ली तो क्या हो गया? आ प्लस जे प्लस आ। आ की मात्रा निकाल ली तो क्या बन रहा है? राजा। क्या बन रहा है? राजा। तो अपन इसके टुकड़े नहीं कर सकते, क्या कर सकते? खंड नहीं कर सकते। और खंड एक रे में से आ की मात्रा निकालते हैं तो क्या हो गया? आधा रे हो गया। तो इसके टुकड़े नहीं कर सकते अपन, ठीक है। जैसे रा प्लस जा तो क्या हो जाता है? राजा, ठीक है। तो इसमें से टुकड़ा करते तो सही नहीं बनता ये, तो इसलिए आ की मात्रा निकालने पे आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसलिए इसके खंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हम? इसके और खंड नहीं कर सकते। ओके, आगे नेक्स्ट देखिए, वर्णों के प्रकार। क्या? वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। कितने होते हैं? दो। आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर के बारे में। ओके, देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात स्वतंत्र मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र मीन्स होता है कि जिन पर बिना रोक टोक के, बिना किसी के दबाव के उनका उच्चारण किया जाता है, अर्थात अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ओके, यह जो होते हैं संख्या में कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। ओके, इन शब्दों को अपन किससे बोलते हैं? कंठ से। जैसे कि ए, आ, ई, कंठ और तालु से। किससे बोलते हैं अपन इनको? इन शब्दों को अपन, इन शब्दों में अपन किसका प्रयोग होता है? कंठ और तालु का प्रयोग होता है। कंठ और तालु का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अपन बोलते हैं जैसे ए, तो गले से बोल रहे हैं ए, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, वी, ए, आई, ओ, औ। तो इसमें जीभ और होठ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अपन किससे बोलते हैं इनको? गले से बोलते हैं। गले से आवाज़ निकलती है। आप बोल के देखो तो आपको भी लगेगा कि हाँ, अपन गले से आवाज़ निकलती है। इसमें होठ और अपने जीभ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ओके, अगर अपने होठ और जीभ से जो वर्ड टच होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इनके व्यंजन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। जिनके पास बुक है वो बुक में देखिए और इनको नोटबुक में फेयर करिए। ओके, थैंक यू।